पहले तो आप आज मेरे गार्डन के ब्लूम्स देखें और हम आज बात करते हैं उन 10 प्लांट्स के बारे में जो बिगिनर्स के लिए आसान है। गार्डनिंग का तो सबको शौक होता है लेकिन समझ में नहीं आता प्लांट्स कौन से लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम प्लांट्स लेते हैं तो वो बहुत जल्दी या तो मर जाते हैं या अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते और बिगिनर्स का डिसहार्टन्ड हो जाते हैं और वहीं से गार्डनिंग ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं लेके आई हूँ चंद ऐसे प्लांट्स जो आसान है आप लोगों के लिए ग्रो करना। बात करना चाहूँगी वो है डेफिनेटली जो बहुत इजी टू ग्रो है और जिसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये एयर प्योरीफायर भी है। दूसरा प्लांट हमारा स्पाइडर प्लांट, ये भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस थोड़ी सी सनलाइट और पानी और ये भी एयर प्योरीफायर भी है। तीसरा एलोवेरा, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, इसे भी बस अच्छी सी सनलाइट और थोड़ा सा पानी। चौथे नंबर पे मैं रखूँगी हमारा सैंसेवेरिया, जिसे मदर इन लॉ स्टंग भी कहा जाता है और स्नेक प्लांट भी, ये भी एयर प्योरीफायर है, इंडोर भी है और आउटडोर भी, बहुत खूबसूरत लगता है। पांचवें नंबर पर है हमारा जेड प्लांट, जो बहुत खूबसूरत बोनसाई भी बनता है, इंडोर भी आउटडोर भी, ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बहुत सुंदर लगता है। और फिर सेवंथ पर मैं रखूँगी मेरा रियो, ये भी ज़्यादा केयर नहीं मांगता और बहुत खूबसूरत लगता है। फिर आता है हमारा सन रोज, ये सकलेंट फैमिली को बिलोंग करता है और इसके खूबसूरत से फूल जो समर में ब्लूम करते हैं देखते ही बनते हैं और ये भी बिल्कुल केयर नहीं मांगता, बस थोड़ा सा पानी।
और फिर ये कोलियस जिसे सब जानते ही होंगे, ये भी बहुत वैरायटीज में आता है, इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर जगा दें, बहुत सुंदर लगता है, बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। और फिर ये सिंगोनियम, ये भी एक बेहतरीन, जिसे एरो हार्ट भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है और ये मेरा फेवरेट प्लांट है। लास्ट नॉट द लीस्ट आता है हमारा टैंगल हार्ट, कितना सुंदर लगता है समर में, तो ये बेहद खूबसूरत लगते हैं, इसके पत्तों को देखिए कितना शाइन करते हैं, और ये इनका सही मौसम है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो व्यूअर्स, ये रहे मेरे 10 इजी ग्रोइंग प्लांट्स फॉर ऑल द बिजनेस, ज़रूर इन्हें अपने गार्डन में जगा दें, मेरे इस वीडियो को पसंद करें और जस्ट बी क्रिएटिव इन योर गार्डन्स। थैंक यू।